डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2022-23। आप लोगों ने स्कूल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जाम दे चुके हैं और अब आप में से कई सारे बच्चों का स्टेट लेवल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो कि अलग अलग स्टेट में या कुछ स्टेट्स में दो दो सेक्टर्स में बांट दिया गया है। हम यूपी से हैं तो यूपी की बात करें तो यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट दो में इसको बांट दिया गया है। तो यूपी वेस्ट का तो हो चुका है, लेकिन जो यूपी ईस्ट का है वो होने वाला है अभी इसका स्टेट लेवल कैंप। यानी कि जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहां से हर क्लास के दो बच्चे, ये दो लेवल पे होता है, एक जूनियर लेवल पे क्लास 6 to 8 और सीनियर लेवल पे क्लास 9 to 12। तो इनमें हर क्लास के दो बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, जो जाते हैं स्टेट लेवल कैंप के लिए। स्टेट लेवल कैंप से फिर नेशनल कैंप में जाते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, एक साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक जो सोच रखते हैं बच्चे उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज उसी के बारे में जानकारी देंगे कि वहां पे किस तरीके से एग्जाम होता है, उसका क्या तरीका है और आप कैसे अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आप आगे आप नेशनल लेवल तक पहुंचे। तो आज उसी के बारे में हम जानकारी आपके लेके आए हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टू ईस्ट के बारे में, जिसका एग्जाम होना है 5 फरवरी 2023 को और इसका वेन्यू है वीवीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ। यानी कि लखनऊ में ये आपका कैंप होगा, स्टेट लेवल कैंप। एक ही दिन का कैंप होगा और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो लगभग 4 घंटे के आसपास इसकी ड्यूरेशन होगी। तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या आपसे एक्टिविटीज कराई जाएंगी, क्योंकि ये एग्जाम जो है ये बुकिश नॉलेज या जो एकेडमिक या स्कूल की जो नॉलेज है उससे ये अलग हटके है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे कि बच्चा किस तरीके से जो भी हमने पढ़ा है उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करता है, उसका एप्लीकेशन कैसे करता है, इस पे निर्भर करता है। तो आइए हम समझते हैं इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी और उनको किस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें तीन मुख्य भागों में इस एग्जाम को कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट में यदि हम बात करें तो यहां दो पार्ट होंगे आपके, एक होगा AOSAT और एक होगा ICAST। AOSAT का मतलब है एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें 5-5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, यानी कि 5-5 क्वेश्चन चारों से पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। और इसका जो सिलेबस होगा वो आपके NCERT सिलेबस होगा, यानी जिस क्लास में आप हैं 6 to 12 उसी क्लास की जो NCERT बुक का सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो डायरेक्ट आपके एकेडमिक टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे। वो क्या होंगे, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, कि उसको किस तरीके से हम लाइफ में यूज कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से आपसे पूछेगा और ये 20% और 20 मार्क्स के होंगे। दूसरा इसका जो पार्ट होगा ये वाला हो जाएगा आपका ए पार्ट इसमें, और ये वाला हो जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट है ICAST, यानी इंडियन कंट्रीब्यूशन एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी भारत का क्या योगदान है साइंस और टेक्नोलॉजी में। इसके लिए आपको एनेक्शन ए में इंफॉर्मेशन दी गई है, टोटल 8 संस्थानों को इस बार सिलेक्ट किया गया है, उनको आप पढ़ना। इसके लिए आपको 4 फील्ड्स दी गई हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 4 सिलेक्टेड एरियाज, फूड एंड एग्रीकल्चर, वाटर एंड इरिगेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन 4 फील्ड्स से रिलेटेड 8 संस्थानों को लिया गया है। इन संस्थानों के बारे में वहां लिंक दिए गए हैं, वहां से हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल 30% होगा और 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट इसका है EST, एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, यानी जो आपने अध्ययन किया है उसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आप लेबोरेटरी में जाकर के ऑपरेटर्स को समझ लें अच्छे से, किस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। आपको ऑपरेटर्स मिलेगा, आपको तरीका बता दिया जाएगा, आपको एम दे दिया जाएगा, अब उस एम को आपको करके दिखाना है कि कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको बता दिया गया, ये सब चीजें हैं, अब उसको प्रूव करके दिखाइए कि कोई भी वस्तु जो हम पानी में डुबाते हैं तो वो अपने भार के बराबर जो है पानी को विस्थापित करती है।
तो जैसे आप डुबाएंगे कितना पानी बाहर निकला उसका वेट कर लीजिए, उस बॉडी का वेट कर लीजिए, उसको डिफरेंस करके आप देख सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्टिविटीज आपसे करवाई जाएंगी चारों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, और ये सबसे वेटेज भी है, इसे 40 मार्क्स का होगा 120 मिनट। एक्टिविटीज सारी एकेडमिक होंगी आपकी, यानी कि जूनियर लेवल के जो बच्चे हैं वो 6th-7th को स्टडी कर लें, और जो सीनियर लेवल है वो 9th-12th एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान दें। इसके बाद है ICQ यानी इंटीग्रेटेड क्रॉसवर्ड क्वेश्चन। क्रॉसवर्ड का मतलब जो आप पजल टाइप में नहीं पहले हल किया करते थे, जैसे जैसे वो बना दिए जाते हैं क्रॉसवर्ड्स, और इनमें आपको भरना होता है, इस तरीके से बना रहता है, आपको लेटर्स दिए जाएंगे, ऊपर से नीचे भरना है, जैसे आगरा भरना है तो AGRA, इधर भरना है उत्तर प्रदेश, तो इस तरीके से भरते थे। तो ये क्रॉसवर्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, और उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्रॉसवर्ड को आपको भरना होगा, और इसके लिए अलॉटेड है 10 मार्क्स, यानी 10% और 30 मिनट टाइम है इसके लिए। तो टोटल आपका होगा 100 मार्क्स का टोटल पूरा एग्जाम, और लगभग 3.5 से 4 घंटे तक ये एग्जाम चलेगा अलग अलग पार्ट्स में। और एक चीज और यहाँ पे ऐड कर दें, एक आपको फिल्म दिखाई जाएगी, जैसे किसी जानवर पे दिखाई जा सकती, बंदर पे, एलिफेंट पे, ये सारी पहले दिखाई जा चुकी है, पिछले जो बच्चे जा चुके हैं पिछले कैंप्स में, तो उन्होंने बताया आपको दिखाई गई फिल्म, और फिर उसी फिल्म से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस दे दिए गए। अब आपको उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग के हिसाब से एक्सप्लेन करना है कि क्या कैसे आप उसको आंसर देते हैं। सबसे मैटर यहाँ पे यही करता है कि आप क्या सोचते हैं, इस चीज को मैटर करता है। आपने जो किताबी ज्ञान है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, एक्सपेरिमेंटल स्किल को यहाँ पे ध्यान देना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एप्लीकेशन है वो आप ध्यान रखना। फिल्म जो है लगभग मुझे लगता है AOSAT के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसी में एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि ये आपका जो है तार्किक शक्ति, आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, कोई भी किसी भी कंडीशन में आप कैसे निर्णय करते हैं, ये सारी चीजें हमारी इसी में आ जाती हैं, तो ये सब आपका इसी के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स और 330 आवर में आप लगभग कर लेंगे, और इसका रिजल्ट उसी दिन शाम को घोषित कर दिया जाएगा कि कौन कौन से बच्चे आगे नेशनल लेवल कैंप में जाएंगे। तो ठीक है, ओके।